दमन सरकारी कॉलेज की छात्राओं में साइबर अपराध, महिला संबंधित अपराध के बारे में जागरूकता लाने के लिए दमन पुलिस ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था। सरकारी महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ थाना प्रभारी सोहिल जीवाणी ने किया। उनके साथ समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम अधिकारी संजीव पंड्या, PSI सेजल पटेल उपस्थित थे। कार्यशाला में सोहिल जीवाणी ने बताया कि युवाओं को अपराध संबंधित जागरूकता होनी चाहिए ताकि वह अपराध करने एवं अपराध सहन करने से बच सके। उन्होंने साइबर अपराध एवं ट्रैफिक नियमों से सभी छात्रों को अवगत करवाया। छात्राओं को बताया कि जो बालिक नहीं है वह दो पहिए वाहन नहीं चलाए, जिनके पास लाइसेंस है वे हेलमेट पहनकर वाहन चलाए, किसी की देखा देखी नहीं करे और रिक्शा बस आदि का उपयोग करे। PSI सेजल पटेल ने बताया कि छात्रा कभी डरे नहीं और कोई भी तंग करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। कोई भी लड़का पीछा करता है, मोबाइल एवं व्हाट्सएप पर परेशान करता है तो अपने अभिभावक को भी बताएं। इसके साथ पुलिस को फोन करके अथवा पत्र लिखकर भी सूचित कर सकते हैं। आज हमने हमारे माननीय DIG साहब और SP सर और SDPO साहब के मार्गदर्शन में हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम में एक साइबर क्राइम का इश्यू था। दूसरा कुछ पॉइंट हमने जो ट्रैफिक के नियम को पालना चाहिए उसके भी पॉइंट्स थे, और जो महिलाओं को कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पुलिस और हमारे ICPS के टीम पूरी मिलके क्या मदद कर सकती है, किस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, तो सारी चीज़ हमने डिटेल में बताई। और हम इसी तरह से आगे भी इसी तरह से हम प्रोग्राम करते रहेंगे। सर, ये कौन सी कक्षा की छात्राएं थी? ये SY की छात्राएं थी, और हम अभी हम कोशिश करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को हम इस तरह से एक प्रोग्राम में ज्वाइन करके हम आगे प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम है। सर, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही है कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है, साइबर क्राइम भी आप देखते होंगे कि बहुत हो रहा है, और ट्रैफिक के नियम जो अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए वो भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और इसके अलावा वुमेंस को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस से किस तरह से हेल्प ली जा सकती है, इसी के बारे में हमारा ये मेन उद्देश्य था। सुनील साहब, दमन में बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि फेसबुक पर ब्लैकमेल किया जाता है लड़के द्वारा छोकरी लेडीज़ को, या व्हाट्सएप द्वारा, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो? हम यही मैसेज देंगे कि अगर ऐसी कोई भी बात अगर है तो हमारे सामने लाए और इसमें हम पूरी पूरी मदद करेंगे। सर, इसके लिए कोई हेल्पलाइन जारी की गई है? 181 ऑलरेडी हेल्पलाइन है ही, और हमारे पुलिस कंट्रोल रूम के भी नंबर है, तो उसमें भी कॉल करके वो हेल्प मांग सकते हैं।